टेक वाली बात में आज हम बात करेंगे 10,000 के अंदर आने वाले 3 सबसे अच्छे स्मार्टफोन्स के बारे में। तो अगर आपका बजट 10,000 रुपए के आसपास ही है तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, तो वीडियो आप पूरे देखिएगा। इसमें एक फ़ोन 9,000 के अंदर भी आपको मिल रहा है। इन तीनों फ़ोनों की कोई रैंकिंग नहीं की गई है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से तीनों में से कोई भी फ़ोन ले सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले फ़ोन की। तो पहला फ़ोन है Moto G22। Moto G22 आपको 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ आपको 11,000 रुपये में मिलता है, लेकिन ऑफर्स वगैरह में 10,000 के अंदर मिल जाता है। तो 10,000 के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है। आपको इस फ़ोन में 6.6 इंचेस की HD+ डिस्प्ले विथ 90 Hz और आपको इसमें 550 निट्स तक की ब्राइटनेस भी मिल रही है। MediaTek का Helio G37 प्रोसेसर, 50MP+8MP+2MP+2MP का पीछे 4 कैमरे मिल रहे हैं, फ्रंट में आपको 16MP की सेल्फी कैमरा मिल रहा है और आपको इसमें 5000mAh की अच्छी बड़ी बैटरी मिल रही है, 20W का चार्जर मिल रहा है, Type-C पोर्ट मिल रहा है, Android 12 है, स्टॉक Android का पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है। तो ये फ़ोन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसकी डिज़ाइन, इसका कैमरा, इसकी डिस्प्ले, इसमें आपको पंच होल वाली मिल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस फ़ोन में सिर्फ एक ही कमी है कि इस फ़ोन में HD+ डिस्प्ले है, अगर फुल HD होता तो ज़्यादा बेहतर होता। बात करते हैं अब दूसरे फ़ोन की। तो दूसरा फ़ोन है Realme Narzo 50A Prime। ये अभी भी लॉन्च हुआ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है, लेकिन इस फ़ोन में खाली एक बड़ी कमी है कि आपको इसमें चार्जर डब्बे के अंदर नहीं मिलता है। यह फ़ोन आपको 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,000 रुपये में मिलेगा। बात करें अगर इस फ़ोन के अदर स्पेक्स की, तो आपको इस फ़ोन में 6.6 इंचेस के फुल HD+ डिस्प्ले, लेकिन डिस्प्ले आपको मिलेगी 60 Hz की, यूनिसोक का T612 प्रोसेसर, रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप UFS 2.2, पीछे आपको इसमें 50MP का मेन कैमरा, 2MP का मैक्रो और 2MP का आपको मिलता है डेप्थ सेंसर और आपको फ्रंट में 8MP का कैमरा देखने को मिलता है और आपको इसमें 5000mAh की बैटरी, 18W का चार्जर, एंड्रॉइड 11, Realme UI 3.0 का R एडिशन मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है। तो फोन ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा है, खाली अगर इसमें चार्जर दिया होता डब्बे के अंदर तो ये काफी अच्छा पैकेज बन जाता। तो 10,000 रुपए के अंदर आप ये फोन भी जरूर खरीद सकते हो। बात करते हैं अब तीसरे फोन की। तो तीसरा फोन है Infinix Hot 11 2022। यह फोन 9,000 के अंदर आपको मिलता है। फोन में काफी ज्यादा अच्छे स्पेक्स मिलते हैं आपको। इसमें 6.7 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले, 550 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, यूनिसोक का T610 प्रोसेसर, रैम टाइप आपको मिलता है LPDDR4X और आपको स्टोरेज टाइप मिलेगा UMCP, तो काफ़ी ज़्यादा सही है ये परफॉर्मेंस के मामले में। और आपको इसमें 5000mAh की बैटरी, 10W का चार्जर, Type-C पोर्ट, सिंगल स्पीकर, Android 11 विथ XOS जिसमें ब्लूटूथ हैं और आपको इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है और आपको इसमें पीछे 13MP का मेन सेंसर है, 2MP का डेप्थ सेंसर है और आपको फ्रंट में 8MP का कैमरा मिलता है। तो कैमरा वाइज फोन उतना ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें इस फोन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये फोन आपको 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,000 रुपये के अंदर मिलेगा। तो अगर आपका बजट 10,000 रुपये के आसपास है, 10 से 11,000 रुपये आप खर्च कर सकते हो, तो आप Moto G22 या फिर आप Realme Narzo 50A Prime लीजिए। लेकिन अगर आपका बजट 9,000 के अंदर ही है, आप उसके ऊपर नहीं जा सकते हो, तो आप Infinix Hot 11 2022 आप ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कुछ पूछना है तो कमेंट करो।